नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव विनीता चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बच्चों की ओल्ड टाइम फेवरेट वेज पैटी बर्गर। वेज पैटी बर्गर बनाने के लिए मैंने लिए हैं बन, उबले हुए आलू, कटे हुए प्याज, गाजर, बीन्स, धनिया पत्ता, मटर, कैप्सिकम, एक प्याज और एक टमाटर को मैंने स्लाइस में कट कर लिया है, पत्ता गोभी जिसे भी मैंने स्लाइस में कट कर लिया है, चॉप्ड गार्लिक, ब्रेड क्रम्स, तेल फ्राइंग के लिए मैदा, कॉर्नफ्लावर, उबले हुए चावल, टमेटो केचप, चीज स्लाइस एंड बर्गर मेयोनीज। साथ ही मसालों में मैंने लिया है आमचूर पाउडर, रेड चिली पाउडर, भुना हुआ जीरा, काली मिर्च, गरम मसाला, चाट मसाला, जीरा एंड नमक। सबसे पहले हम वेज पैटी बनाकर तैयार करेंगे। उसके लिए एक कढ़ाई में 2 टेबल स्पून तेल लेंगे, उसे हम गर्म होने देंगे। तेल हमारा गरम हो चुका है, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जीरा, साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटी हुई लहसुन। इसको 1 मिनट तक सोते करेंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ सोते करना है। लहसुन हमारे सोते हो चुके हैं, अब इसमें हम डालेंगे हमारे बारीक कटे हुए प्याज, इन्हें हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे। प्याज को मैंने 1 मिनट भून लिया है, अब इसमें हम सारी बारीक कटी हुई सब्जियां भी ऐड करेंगे। पहले डाल रही हूँ बीन्स, कैप्सिकम, गाजर और मटर, इनको एक बार अच्छे से मिला लेंगे। इन्हें 1 से 2 मिनट भूनने के बाद इसमें ऐड करेंगे सारे मसाले। पहले डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, जीरा पाउडर, चाट मसाला, आमचूर पाउडर और काली मिर्च। इन्हें एक बार चला लेंगे, साथ ही डालेंगे नमक स्वादानुसार। इन्हें अच्छे से मिलाकर सब्जियों को पका लेंगे। सब्जियां भी हमारी पक चुकी है और मसाले भी भुन गए हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे उबले हुए आलू, जिनको मैंने मैश कर लिया था। साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 कप उबले हुए चावल। इनको डालने से पैटी बहुत ही क्रंची बनकर तैयार होती है। गैस की आंच को मैंने धीमी कर लिया है और इन्हें धीरे धीरे मिक्स करेंगे। सारी सब्जियां, आलू, चावल सब अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसे हम दूसरे बर्तन में डालकर रूम टेम्परेचर तक ठंडा होने के लिए रख देंगे। तक हमारा आलू का मसाला ठंडा हो रहा है, तब तक हम कॉर्नफ्लोर और मैदा का बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। ये मैंने लिया मैदा, कॉर्नफ्लोर, अब इसमें धीरे धीरे पानी डालकर मिला लेंगे। इसमें लम्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। थोड़ा सा पानी डालकर मैंने लम्स फ्री बैटर तैयार कर लिया है। बैटर ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए ना ज़्यादा पतला होना चाहिए। बैटर अगर गाढ़ा हो तो टिक्कियाँ ज़्यादा हार्ड बन जाती है और पतला हो तो टिक्कियाँ बिल्कुल भी क्रंची नहीं बनती। साथ ही मैं डाल रही हूँ जरा सा नमक। बैटर हमारा बनकर तैयार है। मसाला हमारा ठंडा हो चुका है, अब फ्राइंग के लिए कढ़ाई में डालेंगे तेल। इसे आप सेलो फ्राई भी कर सकते हो, पर हम डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राइंग से पैटी ज़्यादा क्रंची बनती है। टिक्की बनाने से पहले हथेली में जरा सा तेल लगा ले, जिससे हमारी टिक्की हाथों में चिपके नहीं।
अब आलू के मसाले को लेकर उसके बॉल्स बना लेंगे। टिक्की हमारी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए जितने हमारी बन की साइज है। पहले इसका हम राउंड बनाएंगे, फिर फ्लैट कर लेंगे। टिक्की हमारी बनके तैयार है। इसी तरह से हम बाकी सारी टिक्की भी बनाकर तैयार कर लेंगे। हमारी टिक्की बनके तैयार है, अब इसे हम फ्राई करेंगे। कॉर्नफ्लोर जनरली तले में चिपक जाता है, इसे एक बार हिला लें। पहले टिक्की को हम कॉर्नफ्लोर में डीप करेंगे। फिर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। दोनों साइड से हम ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद एक बार इसे बाइंड कर ले ताकि ये टूटे नहीं। अब हमारी टिक्की फ्राइंग पैन में जाने के लिए तैयार है। तेल हमारा गर्म हो चुका है। गैस की आंच को मैंने एक बार धीमी कर ली है। अब इसमें हम टिक्की डालेंगे और इसे फ्राई होने देंगे। इसे हम जब तक नहीं पलटेंगे जब तक इसके एजेस ब्राउन ना हो जाएं। इसके एजेस अब ब्राउन हो चुके हैं, अब इसे हम पलटेंगे। सावधानी से पलटें। देखिए हमारी टिक्की एकदम गोल्डन ब्राउन होके तैयार हुई है। गैस की आंच को थोड़ा तेज करके दूसरे साइड से भी टिक्की को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। टिक्की हमारी दोनों साइड से फ्राई होके तैयार है। अब इसे हम टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। इसी प्रकार हम सारी टिक्की को फ्राई करके तैयार कर लेंगे। हमारी सारी टिक्कियां फ्राई होकर तैयार है। ये बिल्कुल क्रंची बनकर तैयार हुई है। बन को हाफ कट करके हल्का सा सेक लेंगे। कटे हुए बन को सेकते टाइम घी या बटर का प्रयोग नहीं करना है, बस हल्का सा ब्राउन होने तक इसे सेक लेना है। बर्गर के सारे एलिमेंट्स तैयार हैं, अब इसकी हम प्लेटिंग करेंगे। सबसे पहले बर्गर के नीचे वाले पार्ट में लगाएंगे मेयोनीज। मैंने यहाँ बर्गर मेयोनीज ली है, आप चाहो तो कोई भी मेयोनीज ले सकते हो। इसके बाद टमेटो केचप, फिर स्लाइस पत्ता गोभी। अब लगाएंगे टिक्की, फिर चीज स्लाइस, टमाटर, फिर प्याज, अगेन बर्गर में मेयोनीज लगाएंगे। टमेटो केचप, इसके टॉप को रख देंगे। टूथपिक लगाकर बर्गर हमारा तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें।